सर्वाइवर सीरीज 2020 पे पर व्यू आने वाला है कल सुबह और बहुत से इंटरेस्टिंग मैचेस हैं शो के ऊपर और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं उन सभी के प्रेडिक्शंस। तो एंड तक देखते रहे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और ये है हमारी ऑफिशियल प्रेडिक्शंस फॉर WWE सर्वाइवर सीरीज 2020 पे पर व्यू। और कल होने वाला है शो, जो टाइमिंग है वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी रॉ और स्मैकडाउन से ऑब्वियसली, क्योंकि शो एक घंटा पहले शुरू हो जाएगा यानी कि 5:30 बजे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको प्री शो भी देखना है तो भाई सर्दी के मौसम में 4:30 बजे सुबह उठना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और मैं आपको ऑब्वियसली बताने वाला हूँ कि कौन मेरे हिसाब से जीतने वाले हैं कल के सारे मैचेस, लेकिन आप लोगों की प्रेडिक्शंस में कॉमेंट्स में जानना चाहता हूँ। तो फटाफट से आपको कॉमेंट्स में जाके सारे मैचेस की अपनी प्रेडिक्शन भी मुझे बतानी है, कोई टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करते और हम स्टार्ट करते हैं गाइज। और पहला मैच जो हमें प्री शो पे देखने को मिलने वाला है वो एक डुअल ब्रांडेड बैटल रॉयल होने वाली है। अब इस मैच का क्या रीजन है आई डोंट नो, लेकिन विंस मैकमैन ने जितने भी यूजलेस सुपरस्टार्स हैं दोनों ब्रांड्स पे वो यहाँ पे भर देने हैं और उनमें से कोई एक जीतेगा। अब हमारे लिए वो यूजलेस नहीं है, लेकिन जिनका कोई और काम नहीं है मेन रोस्टर पे, यहाँ पे वो हमें इस मैच में देखने को मिलेंगे। कौन इसको जीत सकता, आई थिंक बिग ई को ये बैटल रॉयल जीतनी चाहिए क्योंकि उनके पास कोई भी मैच नहीं है फिलहाल, और अगर वो इसका पार्ट बनते हैं तो वो जीत सकते हैं। उसके अलावा एलिस्टर ब्लैक को मैं देखना चाहूंगा, लेकिन मेरे सोचने से यहाँ पे क्या होता है और कौन बैटल रॉयल जीतेगा इसके बारे में मैं कुछ भी अभी कह ही नहीं सकता क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ही नहीं पता मुझे इसके अंदर क्या होने वाले। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा बैटल रॉयल, आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। अब अपने मेन शो से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें दी अंडरटेकर्स फेयरवेल देखने को मिलेगी, जो कि एक मैच नहीं है और उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो एक ऑलरेडी बना दी है कि 5 चीज़ें जो अंडरटेकर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे फिर से। आप उसके लिए वो वीडियो जाके देखें, पूरी 8 मिनट की अलग से डिटेल डिस्कशन है कि आखिर टेकर के साथ क्या हो सकता है। अब अपने एक्चुअल सबसे पहले मैच की हम बात कर ले गाइस, तो वो होगा चैंपियन वर्सेस चैंपियन, यानी कि US चैंपियन बॉबी लैशली अगेंस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन। अब मेरे हिसाब से इस मैच की प्रेडिक्शन बहुत इजी है, बॉबी लैशली हर्ट बिजनेस का पार्ट है, एक ऐसी फैक्शन जिसको काफी समय से पुश करा जा रहा है रॉ के ऊपर, और उनको यहाँ पे मैच हारने की कोई भी जो है वो सेंस बनेगी नहीं। आई डोंट थिंक कि सैमी ज़ेन यहाँ पे बॉबी लैशली को हरा पाएंगे, और डेफिनेटली बॉबी लैशली को इस समय इस विन की जरूरत भी है क्योंकि उनका जो मोमेंटम है एज ए US चैंपियन वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब वो कुछ ज्यादा डिफेंड नहीं करते अपने टाइटल को, लेकिन वो मैं देखना चाहूंगा फ्यूचर के लिए, और यहाँ पे उनका जीतना मेरे हिसाब से जरूरी है। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलेगा न्यू डे अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली रॉ टैग टीम चैंपियंस अगेंस्ट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। अब बिग ई हमें हमेशा से ही स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ इन्वॉल्व दिख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, और यहाँ पे हमें शायद बिग ई का कोई हील टर्न या फिर टर्न देखने को मिल सकता है जो कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स के फेवर में जाए और वो इस मैच को जीत जाए। लेकिन जब तक वो नहीं होता आई थिंक न्यू डे के चांसेस ज्यादा हैं इस मैच को जीतने के, और दोनों ही टीम्स क्योंकि फेस हैं तो इस मैच में भी कुछ खास मेरा तो इंटरेस्ट बनता नहीं। इनफैक्ट मुझे पता है एज अ फैक्ट कि बहुत से लोग अब बोर हो चुके हैं दोनों ही चैंपियन से और कुछ नया और फ्रेश देखना चाहते हैं हम टैग टीम डिवीजन के अंदर, और उसकी वजह से इस मैच का जो इंटरेस्ट है वो अपने आप में ही कम हो जाता है। तो अगर हमें बिग ई का कोई हील टर्न देखने को मिलता है या फिर कुछ सरप्राइज इस मैच के अंदर देखने को मिलता है तो चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन तब तक एक नॉर्मल मैच रहने वाला है एंड आई थिंक न्यू डे इज गोइंग टू विन इट। इसके बाद गाइज हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स अगेंस्ट रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का देखने को मिलेगा, और ये काफी अच्छा मैच हो सकता है, और मेरे हिसाब से रेसलिंग वाइज अगर इसको टाइम दिया जाए तो ये दोनों ही सुपरस्टार्स अच्छे लेवल पे डिलीवर कर सकती है, और इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा या फिर नहीं आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक इसके अंदर एक सिंपल मैच ही रहना चाहिए और एक बहुत अच्छा रेसलिंग मैच हमें देखने को मिलना चाहिए। तो जो चैंपियन एट दी एंड बेस्ट माना जाएगा रेसलिंग में उस मैच के अंदर वो इसको जीत सकता है। तो ये काफी मुश्किल एक्चुअली में प्रिडिक्ट करना कि कौन जीतेगा क्योंकि आस्का और साशा बैंक्स दोनों को काफी स्ट्रांग दिखाया जा रहा है पिछले कुछ समय से, लेकिन हमको ये भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि WWE स्मैकडाउन या रॉ में से कौन सा ब्रांड जीतता है ये भी हमेशा काउंट करती है, और यहाँ पे अगर ऑलरेडी मैंने बॉबी लैशली और न्यू डे को जितवा दिया है तो मैं यहाँ पे साशा बैंक्स को पिक करने वाला हूँ क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी जो है वो रहेंगी इधर उधर की, और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर कौन सी ब्रांड जीतती है। तो फॉर मी आई थिंक दिस मैच साशा बैंक्स जीत जाएंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं विमेंस ट्रेडिशनल 5-on-5 एलिमिनेशन मैच की गाइज। तो टीम रॉ में होने वाली है शेना बेजलर, नाया जैक्स, लाना, लेसी एवंस और पेटन रॉयस, और टीम स्मैकडाउन के अंदर होंगी बियांका बेलेर, रूबी रायट, लिव मॉर्गन, बेली और नटालिया।
अब दोनों टीम्स काफ़ी एवरेज हैं और कुछ खास इस मैच में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं आपको सच बताऊं कौन इसके अंदर लोन सर्वाइवर हो सकता है, आई थिंक कि लाना को WWE शायद पुश दे सकती है और किसी न किसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि लाना यहाँ पे सोल सर्वाइवर बन जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं स्मैकडाउन की बात करूँ, अगर वो जीतते हैं इस मैच को तो बियांका बिलेर या फिर बेली में से मैं किसी एक को देख सकता हूँ टू बी द सोल सर्वाइवर फॉर देयर टीम। और अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे टीम स्मैकडाउन जीते, क्योंकि ऑन पेपर उनकी टीम मुझे थोड़ी बेटर लग रही है और मैं चाहूँगा यहाँ पे बेली को एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर अपनी टीम के लिए एक विक्ट्री हासिल करने की। क्या ऐसा होगा या फिर नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आई विल गो विद टीम स्मैकडाउन। मेंस ट्रेडिशनल 5-on-5 की बात करते हैं गाइस, तो एजे स्टाइल्स, कीथ ली, शेमस, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड मैट रिडल अगेंस्ट केविन ओवेंस, जे उसो, किंग कॉर्बिन, सेथ रॉलिंस एंड ओटिस। अब ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों टीम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, हम कह सकते हैं कि टीम रॉ के अंदर तो कोई भी वीक लिंक नहीं है और ओटिस एक वीक लिंक हो सकते हैं स्मैकडाउन की टीम में। अब कई सारे ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि सेथ रॉलिंस को सबसे पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी वो एलिमिनेट हो जाएंगे, वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हमने स्टोरी लाइन में अभी तक ये बात भी देखी है कि टीम रॉ की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही और उनके जो टीम के मेंबर्स हैं वो आपस में कोप नहीं कर पा रहे। क्या यही चीज़ हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगी सर्वाइवर सीरीज में? वेल, पॉसिबिलिटी तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ टीम स्मैकडाउन की बात करें तो भाई उन्होंने तो एज अ टीम कुछ करा ही नहीं है पूरे शोज़ में, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा 50-50 वाला चांस फिर से आता है। लेकिन आई एम गोइंग टू पिक टीम रॉ इन दिस केस और मेरे हिसाब से टीम रॉ इस मैच को जीतेगी और सोल सर्वाइवर मेरे हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमैन बन सकते हैं या फिर कीथ ली भी बन जाए तो मुझे देखने में वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि जे उसो अब रोमन रेंस के साथ लिंक्ड है तो उनकी परफॉर्मेंस पे हमें बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। और फाइनली गाइज, इस शो का जो लास्ट मैच होने वाला है विच इज़ गोइंग टू बी ड्रू मैकइंटायर अगेंस्ट रोमन रेंस, और इसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अलग से बनाई है जहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस करा था कि क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़ और किस तरीके से रोमन रेंस जो है इस मैच को जीत सकते हैं मेरे हिसाब से। और अभी भी मैं अपने बिल्कुल प्रिडिक्शंस पे टिका हूँ, आई थिंक रोमन रेंस इज गोइंग टू विन दिस मैच और कोई ना कोई इंटरफेरेंस देखने का चांस इसमें डेफिनेटली पॉसिबल है, जैसे कि रैंडी ऑर्टन, द फीन्ड ब्रे वायत, अंडरटेकर एंड इवन ब्रॉक लेसनर का मैं यहाँ पे अब नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी समय से आए नहीं है, कभी ना कभी तो ब्रॉक लेसनर को वापस आना ही है। तो क्या सर्वाइवर सीरीज वो पेपर व्यू हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे द बिग डॉग यानी कि द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को जीतना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से उनका कैरेक्टर चल रहा है आई थिंक ही नीड्स टू विन। इतनी जल्दी उनको अगर हार मिल जाएगी तो उनके गिमिक के लिए सही नहीं रहेगा और वो भी एक ऐसे सुपरस्टार से जो कि दूसरी ब्रांड का है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे रोमन रेंस मैच को हारेंगे। और एज अ हील मेरे हिसाब से रोमन के पास एक एडवांटेज है कि वो चीटिंग कर सकते हैं यानी कि कोई हील मूव करके इस मैच को जीत सकते हैं जो कि मैकइंटायर को प्रोटेक्ट करेगा और साथ के साथ रोमन को लॉस भी नहीं देगा और मेरे हिसाब से ये बेस्ट चीज है इस समय जो WWE बुक कर सकती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, अपनी प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रख लें ताकि जब कल सर्वाइवर सीरीज का रिव्यू आए तो आपको पता लग जाएगा उसी समय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।